हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेचर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे एंटी ट्यूमर ड्रग्स के बारे में। ठीक है ना? तो इसके अंदर दो ही हमारे पास ड्रग्स हैं, एक विंका, यानी कि ड्रग्स क्या, हम लोग यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसे प्लांट्स फार्माकोग्नोसी में क्या पढ़ते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनसे हमको बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ हम पढ़ने वाले विंका और पोडोफाइलम के बारे में, जो कि हमको ट्यूमर में राहत देंगे। ट्यूमर क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज ट्यूमर, किसी को पता है? भूल गए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 एंटी न्यू प्लास्टिक एजेंट, उसमें डिटेल दे रखी है मैंने, नोट्स भी अवेलेबल है। इसके भी नोट्स डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेंगे, उसके भी नोट्स डिस्क्रिप्शन के लिंक में है। याद आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज उसको थोड़ा सा देख सकते हैं। तो यहां मैंने बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करी ट्यूमर के बारे में, जनरल एक बात बता दी है। बाद बाकी ट्यूमर को लेकर के जितनी बातें हैं वो सारी बातें वही वाली चीजें यहां पे कॉपी पेस्ट तुम लोग कर सकते हो, यानी कि सेम है एक तरह से। क्लियर है? तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि तुम लोगों को क्या करना है। जो हमारे पास चैप्टर है कौन सा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 में जाएंगे, उसके नोट्स उम्मीद कर रहा हूं सब लोग निकाल चुके होंगे, उसके रिगार्डिंग में एंटी ट्यूमर यानी ट्यूमर के बारे में बातें समझ लेंगे, दैट्स इट। फिर दो प्लांट के बारे में हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं, बात क्लियर होगी। फिर भी मैंने कुछ यहां जनरल बातें करी हैं, तो आओ देखते हैं उसको, समझते हैं क्या मैंने बोला है। क्या होते हैं ट्यूमर? एन एबनॉर्मल मास, ऐसा मास जो नॉर्मल ना हो। अभी ये मास है, ये नॉर्मल है, यहीं पे अगर एक गांठ जैसी बन जाए तो एबनॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं है। जो चीज नॉर्मल नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल, लिख लो हिंदी। मास ऑफ टिश्यू, टिश्यू का ऐसा मास जो नॉर्मल ना हो, डेट फॉर्म व्हेन सेल ग्रो, जो बनते हैं जब सेल ग्रो करते हैं, एंड डिवाइड मोर देन दे, वो डिवाइड करते हैं बहुत ज्यादा, मोर देन दे शुड, जितना उनको डिवाइड करना चाहिए, शुड मतलब चाहिए, जितना सेल को डिवाइड करना चाहिए उससे ज्यादा डिवाइड कर जाते हैं, एंड डू नॉट डाई व्हेन दे शुड, और नहीं मरते हैं जब उन्हें मर जाना चाहिए। ठीक है ना? तो ट्यूमर कैंसर का रूप होता है, ठीक है ना, उसमें दो टाइप के थे, एक बिनाइन और एक मैलिग्नेंट, सारी बातें डिटेल में वहां डिस्कस कर रखी हैं, जनरल बातें मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। ट्यूमर जो ये एबनॉर्मल मास होता है, अगर एक गांठ बनकर यहीं की यहीं रह गई तो डॉक्टर काट के निकाल देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये फैल जाए पूरी बॉडी में तो क्या बनता है, उसको हम लोग कैंसर बोल देते हैं। क्लियर है? तो ट्यूमर में भी बिनाइन, नॉट कैंसर, बिनाइन मतलब जो कैंसर नहीं है, और मैलिग्नेंट जो कि कैंसरस है। मैलिग्नेंट कैसा होता है, कैंसर वाले को मैलिग्नेंट नाम दे दिया गया है। बिनाइन ट्यूमर में ग्रो लार्ज, ये बड़ा हो सकता है, ग्रो कर जाएगा बहुत बड़ा, बट डू नॉट स्प्रेड इनटू, फैलेगा नहीं, कहां इनटू, फैलेगा नहीं किसी के अंदर, और इन्वेड या आसपास के सेल्स पे हमला नहीं करेगा, नियर बाय टिश्यू, आसपास के टिश्यू में फैलेगा नहीं, है ना, डू नॉट स्प्रेड इनटू, आसपास फैलेगा नहीं या आसपास के टिश्यू पे इन्वेड हमला नहीं करेगा, और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी या किसी और दूसरे पार्ट पर ये अटैक वगैरह या वहां पे जाके फैलेगा नहीं। क्लियर है बात है ये? ओके। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन स्प्रेड इनटू, जो मैलिग्नेंट होते हैं ये स्प्रेड कर जाएगा, इन्वेड करेगा, फैलेगा भी, हमला भी कर सकता है आसपास के टिश्यूज में। दे कैन आल्सो स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के दूसरे पार्ट, लिवर, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, कहीं और भी जाकर के अटैक कर सकते हैं, फैल सकते हैं, है ना, ब्लड है, लिम्फ सिस्टम है, कहीं भी जा सकते हैं। ऑल्सो कॉल्ड नियोप्लाज्म, इसको हम लोग नियोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। जनरल इंट्रो अबाउट ट्यूमर कवर्ड इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13, ठीक है, ये पॉइंट मैंने डाल दिया यहां पर, ध्यान रखना। और ज्यादा डिटेलिंग चाहिए तो वहां से ये डिटेलिंग यहां पे निकाल सकते हो, यहां पे बहुत ज्यादा डिटेलिंग की एक्चुअली हमको जरूरत नहीं है। क्लियर है? चले आगे। ओके, नाउ कम टू विंका। विंका ये पौधा सबने देखा होगा, बड़ा साधारण सा है ना, बचपन में इसे निकाल के पत्ते अत्ते तोड़ के इसके अंदर से एक क्या निकलता है, इसका फीमेल पार्ट, स्टिग्मा, सॉरी, हाँ, उसको जो एंड्रोसियम होता है उसके यहाँ रख करके भी फूक मारते थे, गोल गोल घूमता था, किया होगा बचपन में इसको तोड़ के, बस यही है। देखो कितना इंपॉर्टेंट वो प्लांट है ये विंका, कैंसर से बचाता है हमको,
ठीक है, ट्यूमर रोकता है। तो क्या बोल रहा है विंका के बारे में, विंका ये जीनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर है तो ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है, इन द फैमिली एपोसाइनेसी, फैमिली का नाम क्या है इसकी, एपोसाइनेसी। इट इज नेटिव टू कहां, नेचुरली कहां पाया जाता है, यूरोप, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ वेस्ट एशिया, यहां पर ये नेचुरली पाया जाता है। सिनोनिम की बात करें तो विंका रोजिया, कैथारेंथस, मेडागास्कर और पेरीविंकल के नाम से इसके फेमस है ये अपने अपने लोकल नेम में। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूं अगर मैं, इट इज ड्राइड एंटायर प्लांट, पूरा प्लांट जड़ से लेके फ्लावर तक पूरा प्लांट इस्तेमाल में आता है, ऑफ कैथारेंथस रोजियस लिन, लिन मैंने पहले बता चुका हूं, जो बाद में नाम होता है उस साइंटिस्ट का नाम होता है जिसने नामकरण किया होता है इसका, मैंने कि नाम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन वाला कर रखा होता अगर तो, कैथारेंथस रोजियस ये इसका एक्चुअल नाम क्यों, तो केवल यही है ठीक है ना, लिन लिखो चाहे ना लिखो चल जाएगा, लेकिन कैथारेंथस रोजियस तुम्हें लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ऑफ फैमिली एपोसाइनेसी, ये हो गया इसका बायोलॉजिकल सोर्स, पूरा प्लांट काम का है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें, अल्कोलाइड्स पाए जाते हैं, इंडोल एंड इंडोलिन अल्कोलाइड्स भी हैं, एजमालिसिन ठीक है ना, लॉचनेरिन और डायमरिक इंडोल अल्कोलाइड्स हैं, विनब्लास्टिन, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन, ये सारे इंपॉर्टेंट केमिकल इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमें एंटी ट्यूमर ट्यूमर के अगेंस्ट में। थेरापेटिक एफिकेसी की बात कर लें बच्चों अगर, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के टाइप कौन कौन सी हैं, लाइक ल्यूकेमिया, हॉडगिंस डिजीज, मैलिग्नेंट लिम्फोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, ये अलग अलग कैंसर के प्रकार हैं जिनमें ये हेल्पफुल है हमारे लिए। इट इज आल्सो यूज टू ट्रीट डायबिटीज में भी इस्तेमाल हो जाता है, कफ में भी और सोर थ्रोट, सोर थ्रोट मतलब अगर गले में हल्की फुल्की क्या है, खराश है, आल्सो यूज एज डायूरेटिक, ये डायूरेटिक की तरह भी इस्तेमाल में रहता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ओके। नेक्स्ट है पोडोफाइलम, पोडोफाइलम ये पौधा देखा है जंगल में कभी तुम लोगों ने, कभी कहीं गए हो आसपास के जंगल सा हो, ये बड़ा कॉमन सा पौधा, ये भी दिख जाता है ये ठीक है ना। तो इसकी जगह जड़ें कुछ इस टाइप से रहती हैं, ये इसकी काम में आती हैं। पोडोफाइलम इज एन हर्बेसियस, ये हर्ब है, देखो इसमें ना कहीं पे तना नहीं होगा तो हर्ब कह दिया उसे, पेरेनियल है ना। प्लांट इन फैमिली बर्बेरी डेसी, सिनोनिम की बात करें तो मे एप्पल, अमेरिकन मैंड्रेक, वाइल्ड मैंड्रेक एंड ग्राउंड लेमन भी कहते हैं इसको। ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर पॉइजनस, पूरा पूरा प्लांट कैसा है, जहरीला है, इंक्लूडिंग द ग्रीन फ्रूट, उसका जो हरा फ्रूट होता है इसके अंदर एक आता है वो भी जहरीला होता है। बट लेकिन वंस द फ्रूट हैज टर्न्ड येलो, एक बार ये फ्रूट अगर पीला हो गया, पक गया, इट कैन बी सेफली ईटन, अब उसे हम आराम से खा सकते हैं। पकने के बाद उसका जहर जो होता है खत्म हो जाता है, वो केमिकल कन्वर्ट हो जाता है, वहां से चला जाता है। द राइप यानी पका हुआ, द राइप फ्रूट डज नॉट प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी, जो फ्रूट पका हुआ है वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइजोम एंड रूट, है ना, देख सकते हैं हम लोग ये राइजोम या रूट ठीक है, ऑफ पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम, ये इसका बायोलॉजिकल नेम हो गया, या क्या आ गया, साइंटिस्ट का नाम आ गया ठीक है, ऑफ फैमिली बर्बेरी डेसी, बर्बेरी डेसी, पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम, रिपीट कर लो मेरे साथ ठीक है ना। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो रेजिन्स पाए जाते हैं, पोडोफाइलोटॉक्सिन पाया जाता है, अल्फा पेल्टैटिन पाया जाता है, बीटा पेल्टैटिन पाया जाता है। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो इसके जो राइजोम्स हैं आर यूज्ड फॉर टाइफाइड फीवर, तो मत लिखो पूरा, केवल क्या लिख दो, टाइफाइड फीवर, जॉन्डिस, डिसेंट्री, डिसेंट्री डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, क्रोनिक हेपेटाइटिस, स्कोफ्यूला, रूमेटिज्म, ये भी जानते हैं हम लोग क्या होता है, स्किन डिजीज है कोई ठीक है ना, ट्यूमरस ग्रोथ, ट्यूमरस का तो मेन इसके लिए पड़ ही रहे हैं, किडनी एंड ब्लैडर प्रॉब्लम। तो ये सारी जो मैंने एक लाइन में लिखी है तो इनमें से दो चार याद लिख के ऐसे एक लाइन में बना दो, मत चार याद करो ठीक है ना। मैंने क्या कहा, दिमाग से काम करना है, लकीर का फकीर नहीं बनना है। तुमको लग रहा है सर ने तो बहुत ज्यादा लिख दिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, डिसेंट्री, क्रोनिक हेपेटाइटिस, लेकिन मेन इसका काम क्या है, ट्यूमर की ग्रोथ को रोकना, तो ये तो पक्का लिखना है, और चार हो गए, चार से पांच यूजेस, मत लिखो पूरा, बात समझ में आ रही है। तो बहुत सारी चीजों में यूज होता है, मेन यूज तो पक्का लिखना है ट्यूमर ग्रोथ, उसके अलावा क्या क्या है वो तुम साथ में लिख सकते हो ठीक है ना। ओके, चलते हैं आगे, अब देखते हैं क्या बोल रहा है ये। आल्सो यूज फॉर गोनोरिया एंड साइफिलिस, ये डिजीज होती है ठीक है। द पोडोफाइलम यूज एज परगेटिव, परगेटिव मतलब पता है ना, बॉडी, या एक तरह से बॉडी को साफ करने, यानी कि पेट अच्छे से साफ कर देता है। एंड आल्सो ट्रीटमेंट ऑफ वेजाइनल वार्ट्स, जो गांठे से पड़ जाती है वेजाइना में, उसको ठीक करने के लिए काम में आता है।
टू डेरिवेटिव ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन कॉल्ड एलोपोसाइड एंड टेनिपोसाइड आर एम्प्लॉयड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट आ गया, ये तो यहाँ पे दोगे साथ साथ में ये पॉइंट पक्का दोगे। इसके दो केमिकल खासकर एलोपोसाइड और टेनिपोसाइड ये कैंसर को ठीक करते हैं। रूट पेस्ट इज एप्लीकेबल ऑन अल्सर कट्स एंड वूंड्स। वूंड्स मतलब जो जख्म होता है, अल्सर और कट्स, इनमें क्या है रूट का पेस्ट बना करके अप्लाई किया जाता है। क्लियर है? तो ये दो ड्रग हमारे कवर होते हैं एंटी ट्यूमर के अंदर। ठीक है, आगे क्या करना है पता है ना, रिवाइज करना है और पढ़ते रहना है। छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगा अब, ताकि क्या है मेरे ऊपर भी लोड थोड़ा कम हो जाएगा और मैं रोज एक लेक्चर एटलीस्ट डाल पाऊंगा, कोशिश करूंगा। लच्चो लेकिन निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा कोग्नोसी का कोर्स भी टाइम से खत्म करा दूंगा। और ठीक है ना, जो भी कुछ मैंने प्रॉमिस किया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी को लेकर के, फाइनल एग्जाम से पहले ये दोनों तुम्हारे पक्के से कवर हो जाएंगे। कम से कम 15-20 दिन पहले पक्का कवर करा दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, ये दो सब्जेक्ट तो अच्छे से कवर करवा दूंगा मैं। बाकी के लिए आप लोग तैयारी करें, क्योंकि सारा कुछ मैं करा नहीं सकता हूँ। ठीक है ना, मैं एक इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। ठीक है, काफ़ी सारा काम और भी होते हैं मेरे को। तुम लोग केवल बस क्या करोगे, पढ़ाई करोगे और रिवाइज करोगे। थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगा लो यार, हो जाएगा सब कुछ कवर, है ना। कोई दूसरा सब्जेक्ट कोई टफ लग रहा है, ठीक है, कुछ बच्चे अगर दूसरे सब्जेक्ट में चाह रहे हैं, तो अभी कुछ बच्चों ने बताया था कुछ बच्चों को स्टैटिस्टिक्स में दिक्कत आ रही है, तो कुछ खास खास टॉपिक या चैप्टर मेरे को बता दो। मैं कोशिश करूंगा हर एक सब्जेक्ट में से जो एक या दो, बहुत ज़्यादा नहीं, देखो एक या दो चैप्टर जो बहुत टफ लग रहे हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं, मैं उनको कवर करवा दूंगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये दो चैप्टर या दो सब्जेक्ट सॉरी पूरे करा दूंगा मैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री करा चुका हूँ, ठीक है, कुछ चीज़ें उसमें बची हुई वो भी करवा दूंगा। कोग्नोसी पूरी करा दूंगा, निश्चिंत रहना बिल्कुल भी। ठीक है ना, कोई वो नहीं है कि एक एक दिन में चार चार लेक्चर भी आने शुरू हो जाएंगे एक दो दिन के अंदर। ठीक है, तो मैं पूरी पक्के से करा दूंगा। इसके अलावा जो बाकी के तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो टॉपिक तुमको डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है, वो टॉपिक मैं कर लूँ, थोड़ा सा कॉग्निशन किनारे पे आ जाए, फिर उसकी भी वोटिंग करवा लेंगे कि इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर हैं, इस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स को एक एक दो चैप्टर जो होंगे उनको मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? डरना बिल्कुल नहीं, लकीर का फकीर नहीं बनना, और रिवीजन करना है। क्या करोगे? रिवीजन। ओके, ऑल द बेस्ट।